हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ छाया और मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम करेले की खट्टी मीठी मसालेदार सब्जी बनाएंगे। एक बार इस तरह से आप मसालेदार करेले की सब्जी को ज़रूर बनाकर देखें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले हमने 250 ग्राम छोटे साइज़ के करेले लिए हैं। करेले को हमने अच्छे से धोकर लिया है। करेले को हम बिना छिले बड़े बड़े टुकड़ों में काट लेंगे। करेले के बीज बिल्कुल सॉफ्ट है तो हम इसे बीज के साथ ही बनाएंगे। अगर बीज कड़क है तो आप बीज में से चीरा लगाकर बीज को अलग निकाल सकते हैं। तो सारे करेले को हम इसी प्रकार से काट कर तैयार कर लेंगे। सारे करेले को हमने काट लिया है। अब हमने गैस ऑन करके पैन में पानी को गर्म करने के लिए रखा है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। दोनों को एक बार मिक्स कर देंगे। पानी जैसे ही गर्म होगा तो अब हम इसमें करेले डालेंगे और अब हम मीडियम फ्लेम पर 10 से 12 मिनट तक करेले को पकने देंगे। बीच में 2 से 3 बार हम इसे हिला देंगे। 10 से 12 मिनट करेले को पकने के बाद आप देख सकते हैं कि इसका कलर चेंज हो गया है। अब हम इसे चेक करेंगे, करेले में चाकू डालकर देखेंगे तो करेले सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे निकाल लेंगे। करेले को निकालने के बाद थोड़ा ठंडा होने देंगे। थोड़ा ठंडा होने के बाद इसे हल्के हाथों से दबा लेंगे ताकि करेले के अंदर का पानी निकल जाए। अब हम गैस ऑन करके कढ़ाई में 4 से 5 बड़े चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। पहले हम करेले को फ्राई करेंगे, तेल को गर्म होने देंगे। करेले को दबाकर हमने इसका पानी निकाल लिया था। करेले को अब हम तेल में डालेंगे और इसे हाई टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। करेले को हम थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहेंगे। करेले को हमें अच्छा सा सुनहरा कलर आने तक फ्राई करना है। थोड़ी थोड़ी देर में चलाते हुए करेले को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है। करेले पर अच्छा सा सुनहरा रंग दिखने लगा है तो अब हम इसे निकाल लेंगे और अब हम इसी बचे हुए तेल में करेले की सब्जी बनाएंगे। तेल में डालेंगे 1 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून कलौंजी, 2 मीडियम साइज़ के प्याज बिल्कुल बारीक कटे हुए। प्याज को अब हम लगातार चलाते हुए फ्राई करेंगे। फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। प्याज को हमें अच्छा सा कलर आने तक फ्राई करना है। थोड़ी देर बाद अब हम इसमें डालेंगे 6 से 7 लहसुन की कली, 1 छोटा टुकड़ा अदरक जिसे हमने कूट कर लिया है, 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। 2 मिनट प्याज को हम और फ्राई कर लेंगे। 2 मिनट प्याज को हमने और फ्राई कर लिया है। अब हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और अब हम इसमें सूखे मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 से 3 पिंच हींग, 1 टीस्पून अमचूर पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला। सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 टमाटर का पेस्ट, साथ में थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक करेले को उबालते समय भी हमने डाला था तो नमक हम इसमें कम डालेंगे। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम मसाले को 7 से 8 मिनट तक ढककर पकने देंगे। गैस की फ्लेम को हम लो रखेंगे और बीच में हम मसाले को 1 से 2 बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। मसाले को हमने 7 से 8 मिनट तक ढककर पका लिया है। अब हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच गुड़। गुड़ की जगह पर आप इसमें चीनी भी डाल सकते हैं। साथ में थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम इसमें फ्राई किए हुए करेले डालेंगे। इसे भी मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम इसे ढककर 4 से 5 मिनट तक और पकने देंगे। 4 से 5 मिनट करेले को पकाने के बाद अब हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून कसूरी मेथी, थोड़ा सा हरा धनिया और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे सर्विंग प्लेट में निकालेंगे।
बहुत ही टेस्टी मसालेदार बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी करेले की सब्जी बनकर तैयार है। इस करेले की सब्जी को आप एक बार ज़रूर बनाकर देखें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।